हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसके पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से दो वीडियो और अपलोड की जा चुकी हैं और एक लाइव सेशन लिया गया था। तो अगर आप सभी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जा कर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। और कल हमारे जो है कल के वीडियो में जो है 20 तक का क्वेश्चन हो गया था, आज से हम 21 का क्वेश्चन करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा अनुपूरक आहार कार्यक्रम नहीं है? ठीक है, अनुपूरक आहार कार्यक्रम से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन दिए गए हैं बालवाड़ी आहार कार्यक्रम, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, और दिया गया है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, या फिर ICDS। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संपूर्ण ग्रामीण योजना जो है, यह संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो है यह एक रोजगार योजना है। ठीक है, रोजगार से संबंधित योजना है। इसके अलावा जो आपका बालवाड़ी आहार कार्यक्रम है और मध्यान्ह भोजन है, यह अनुपूरक आहार कार्यक्रम से संबंधित है। ठीक है, जो कि आपके किसके अंतर्गत आते हैं, जब आप ICDS का पूरा पूरा डिटेल पढ़ेंगे तब आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है वयस्कों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं डैश के अनुसार अलग अलग होती हैं। ठीक है, शरीर के भार के अनुसार, आयु व लिंग के अनुसार, शारीरिक गतिविधि के अनुसार, शारीरिक क्रियात्मक अवस्था के अनुसार, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर पूछा गया है वयस्कों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं। ठीक है, तो अलग अलग जो है शरीर के भार, आयु व लिंग व शरीर की जो गतिविधि होती है, शारीरिक क्रियात्मक अवस्था होती है, इन सभी के अनुसार जो है अलग अलग होती है। ठीक है, अलग अलग मात्रा में सभी को पोषण की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान भार में अधिकांश वृद्धि डैश में होती है, पहली तिमाही में, दूसरी तिमाही में, उपरोक्त दोनों, या फिर तीसरी तिमाही में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन और टू। ठीक है, तो उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीकाकरण से कौन सी बीमारियों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? ठीक है, ऐसी कौन सी बीमारी है जिससे जो है टीकाकरण के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है पोलियो, खसरा, डिप्थीरिया, या फिर एनीमिया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, खसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है गर्भावस्था के 33वें सप्ताह से लेकर पूर्ण समय के प्रसव तक स्वस्थ माता को किस अंतराल तक प्रसव पूर्व जांच कराते रहना चाहिए? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखते हैं ऑप्शन में, सप्ताह में एक बार, या फिर 2 सप्ताह में एक बार, या फिर 3 सप्ताह में एक बार, या फिर 4 सप्ताह में एक बार। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, सप्ताह में एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था का पहला संकेत आमतौर पर क्या होता है? ऑप्शन दिया गया है मासिक धर्म नहीं आना, तुरंत भार बढ़ना, उबकाई आना, या फिर भंगुर नाखून। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मासिक धर्म नहीं आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है ORS फार्मूले में शर्करा की मात्रा बढ़ाने से क्या होगा? ठीक है, जो ORS का घोल होता है, यदि उस फार्मूले में शर्करा की मात्रा को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, दस्त और बिगड़ जाएंगे, पोषक मान बढ़ जाएगा, वह खतरनाक हो जाएगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, दस्त और बिगड़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है डैश नामक एंटीबायोटिक दांतों का रंग बिगाड़ देता है।
क्वेश्चन दिया गया है, डैस नामक एंटीबायोटिक जो है दांतों का रंग बिगाड़ देता है, तो ऑप्शन दिया गया है पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन या फिर नियोमाइसिन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है खसरे के संबंध में इनमें से किसे छोड़कर शेष सभी सत्य है। ऑप्शन दिए गए हैं लक्षणहीन संक्रमण है यह, और 10 से 14 दिनों में रोग दुर्भवन अवधि और कुपोषित में अधिक गंभीर और द्वितीयक आक्रमण दर 30%। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, द्वितीयक आक्रमण दर जो होती है इसकी 30% तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भोजन के कार्य हैं, ऑप्शन दिए गए हैं जीवन कायम रखना और संरक्षण, वृद्धि और विकास, महत्वपूर्ण अंगों की क्रियाशीलता तथा ऊर्जा का उत्पादन या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री हेतु प्रोटीन की अनुशंसित आहारी अनुमानित है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री हेतु प्रोटीन की अनुशंसित आहारी अनुमति है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले 78 ग्राम प्रतिदिन, 58 ग्राम प्रतिदिन, 50 ग्राम प्रतिदिन या फिर 55 ग्राम प्रतिदिन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 78 ग्राम प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कर्णमूल शोथ गलसुआ मम्स की रोग दुर्भवन अवधि है 10 दिन, 18 दिन, 5 दिन या फिर 14 दिन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है उच्च रक्तचाप के मामले में इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी जोखिम कारकों में संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन दिए गए हैं अल्कोहल का सेवन, आयु, मोटापा या फिर नमक का सेवन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आयु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कौन से कारक कुपोषण को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं भोजन की उपलब्धता और सुलभता, परितंत्री या एवं पर्यावरणीय कारक, आर्थिक एवं रोगजनक स्थितियां या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है छोटी चेचक चिकन पॉक्स की संक्रामकता रहती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 6 डेज मतलब ददोरे दिखने के 6 दिन बाद तक। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही हम इसके आगे की वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।